इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, ए बर्ड मूव्स फ्रॉम पॉइंट 1-2-3 टू 4-2-3, मतलब इनिशियल पॉइंट दिया है और फाइनल पॉइंट दिया है हमको। इफ द स्पीड ऑफ द बर्ड इज 10 मीटर पर सेकेंड, स्पीड भी दे रखा है, देन द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द बर्ड इज, तो हमको वेलोसिटी वेक्टर बोलना है। तो हम कैसे लिखते हैं, वेलोसिटी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड वेलोसिटी इनटू डायरेक्शन, इस तरीके से लिखते हैं, यानी कि वी वेक्टर इक्वल टू मॉड वी इनटू वी कैप। और एक बात हम क्या जानते हैं, वी कैप इज इन द डायरेक्शन ऑफ एस कैप, मतलब जिस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा उसी डायरेक्शन में ये होता है, मतलब वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम होता है ना। तब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज नथिंग बट स्पीड, तो मैं यहां से ऐसे लिख सकता हूं, मॉड वी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। आई होप ये क्लियर हुआ है ना। अभी मेरे को वी कैप चाहिए, वी कैप यानी कि किसके बराबर है, यस कैप। अब यस कैसे लिखते हैं, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, फाइनल पोजिशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजिशन वेक्टर। तो यहाँ पे देखिए ये पोजिशन वेक्टर फाइनल है और ये वाला इनिशियल है, तो आर एफ की वैल्यू किसके बराबर है, 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, दिस इज आर वेक्टर फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर, 1i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, दिस इज फाइनल पोजिशन। सो अभी इसको अगर से सिंप्लीफाई कर ले तो ये होगा 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस प्लस 0k कैप। तो इसका मतलब जो भी वेक्टर आएगा वो i और j के डायरेक्शन में आ रहा है, तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में k है, तो इसका मतलब हमको k नहीं मिलेगा, तो जो भी ऑप्शन है ये दो में से ही है ना। तो यहाँ से देखिए हमको यस वेक्टर क्या मिल रहा है, 3i प्लस 4j। तो अब यस कैप कैसे निकालते हैं, यस वेक्टर डिवाइडेड में मॉड एस, सही है। सो इट इज मॉड एस की वैल्यू किसके बराबर होगी, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 5। सो इट इज 3i प्लस 4j डिवाइडेड बाई 5, दिस इज यस कैप। तो अभी मैं यहाँ से वेलोसिटी वेक्टर लिख सकता हूँ, वेलोसिटी वेक्टर इक्वल टू 10 इंटू 3i प्लस 4j डिवाइडेड बाई 5। सो इट इज 2 6i प्लस 8j मीटर पर सेकेंड। आई होप कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।